नाउ वी विल सी रेंज। ये स्टेटिस्टिक्स का चीज है। कई बार आप दुकान में जाते हैं कपड़ा खरीदने, क्या बोलता है दुकानदार, आपका रेंज क्या है? बोलता है सर अपर रेंज बोल दीजिए, लोअर रेंज बोल दीजिए, ठीक है। तो बोला दिखा दीजिए ना 1000 से 1500 के बीच में। तो आपका अपर डाटा क्या हुआ 1500 और लोअर डाटा क्या हुआ 1000। तो वो क्या करता है दुकानदार, ये दोनों के बीच का ही आपको दिखाता है, ठीक है। तो रेंज निकालते कैसे हम? यदि अनग्रुप्ड डाटा है तो जो हाईएस्ट डाटा है और लोएस्ट डाटा है दोनों को डिफरेंस कर देते, डिफरेंस मतलब माइनस कर देते, ठीक है। और यदि ग्रुप्ड डाटा, देखिए रेंज फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप्ड डाटा है तो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, जैसे बोला कि 1000 और 1500, तो 1500 क्या हुआ आपका मैक्सिमम डाटा हुआ, हाईएस्ट डाटा हुआ, हाईएस्ट डाटा माइनस लोएस्ट डाटा कर दीजिए तो निकल जाएगा आपका रेंज पर अनग्रुप डाटा। रेंज पर ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, यदि ग्रुप बना हुआ आपका, जैसे क्लास दे दिया आपको 0 to 10, 10 to 20, 22, 22, 30, 32, 40। ये इसको बोलते क्लास, इसको बोलते क्लास, इसको बोलते क्लास, इसको बोलते क्लास। अब इस क्लास कितने क्लास यहां, 1, 2, 3, 4, 4, देर आर 4 क्लास। इन क्लास में आप देखिए कि हाईएस्ट क्लास क्या, सबसे बड़ा क्लास कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। हाईएस्ट क्लास कौन सा, ये वाला। इस हाईएस्ट क्लास का अपर लिमिट क्या है, ये वाला अपर लिमिट कहलाता है, ये वाला लोअर लिमिट कहलाता है। तो इस हाईएस्ट क्लास का, सबसे बड़े क्लास का हाईएस्ट लिमिट क्या है 40, और लोएस्ट क्लास क्या है, लोएस्ट क्लास है सबसे छोटा क्लास है ये, इसका लोएस्ट लिमिट क्या है 0 और हाईएस्ट लिमिट क्या है 10। तो हमको सबसे स्मॉलेस्ट, जो स्मॉलेस्ट क्लास को देखना है, हाईएस्ट क्लास को देखना है। अब इनमें देखना क्या है हमको, जो हाईएस्ट क्लास है, इस हाईएस्ट क्लास का अपर लिमिट, यहां अपर लिमिट कितना हो गया 40, और लोएस्ट क्लास का लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना हो गया 0। ये दो डाटा पे ध्यान रखना है। तो रेंज पर ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, इस टाइप के जो ग्रुप डाटा है तो अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास, अपर लिमिट कौन सा हुआ ये वाला, इसका हाईएस्ट क्लास क्या हुआ ये वाला, तो 40 माइनस क्या करेंगे लोअर लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास, लोअर लिमिट क्या है ये वाला, इसका लोअर लिमिट क्या हुआ ये 0। अब और एक बता रहे 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 26, 25 to 30 होगा, 5-5 का डिफरेंस है, 30 to 35। अब इसे बताओ, पहले तो एक लोएस्ट क्लास कौन सा, हाईएस्ट क्लास कौन सा, दिस इज द लोएस्ट क्लास, ये क्या है लोएस्ट क्लास है, और ये वाला क्या है हाईएस्ट क्लास है, ठीक है। लोएस्ट क्लास और हाईएस्ट क्लास पहले ये पता होना चाहिए। अब हमको रेंज निकालना है ये ग्रुप डाटा का, तो क्या करना है, फॉर्मूला क्या, अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास, हाईएस्ट क्लास ये वाला है, इसका अपर लिमिट कितना हुआ 35, तो यहां लिख लीजिए कहीं पर कितना लिख लिया 35 माइनस अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास लिख लिया माइनस लोअर लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास, लोएस्ट क्लास कौन सा है ये वाला, इसका लोअर लिमिट, हाईएस्ट क्लास का अपर लिमिट और लोएस्ट क्लास का लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना 10, तो माइनस कितना कर देंगे 10, तो 35 माइनस 10 करेंगे तो 25, ये क्या निकल जाएगा मेरा रेंज, क्या निकल गया रेंज। कोई दिक्कत है, यदि अनुग्रुप डाटा है तो कुछ नहीं, सबसे बड़ा डाटा में से सबसे छोटा डाटा को माइनस कर देना। यदि इस टाइप के क्लास दिए तो पहले आपको ये चूज करना होगा कि विच आर द लोएस्ट क्लास एंड विच आर द अपर क्लास, अपर क्लास जो हाईएस्ट क्लास है उस हाईएस्ट क्लास का अपर लिमिट क्या है वो लिख लीजिए, और लोएस्ट क्लास का लोअर लिमिट को लिख लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, रेंज निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हमें दो प्रॉब्लम भी कराएंगे।
ठीक है। इसके बाद आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, जो भी हम रेंज निकाले उस रेंज का कोएफिशिएंट क्या होगा, ये फार्मूला दिया हुआ है, रेंज डिवाइडेड बाय सम ऑफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। जो रेंज निकालने के लिए आपने हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को माइनस किया था तो वो तो यहां रेंज में आ गया। अब क्या करना है, वही सेम वैल्यू को यहां पर प्लस कर देना है। क्या करना है, जैसे कि एक एग्जांपल बता रहे, हम एक एग्जांपल से समझाते हैं ताकि आप लोग को बहुत बढ़िया समझ आ जाए। देखिए, फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डाटा। हम दो प्रॉब्लम लिया, एक प्रॉब्लम ये है, एक प्रॉब्लम ये है। ये दोनों प्रॉब्लम में रेंज भी निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालना है। क्या डाटा दिया, 3, 5, 10, 8, 15 और 6। रेंज भी निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सबसे पहले हम एक को करते, क्या कीजिए, जो डाटा दिया है डाटा को अरेंज कर दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। काहे में अरेंज कर दी इसको, ये जो गिवन डाटाज है इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते क्रम में कम से अधिक की तरफ, इसको पूरा को देखो, सबसे छोटा क्या डाटा है इसमें, 3, 5, 3, 5, 10, 8, 15, 6। इसमें सबसे छोटा क्या डाटा है, 3। 3 से बड़ा क्या है, 5। 5 से बड़ा क्या है, 6। 6 से बड़ा क्या है, 8। 8 से बड़ा है, 10। और सबसे बड़ा है 15। और काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पे भी 6 लिखेगी नहीं, हो सकता हम कई बार गलती कर दे, खाना डाटा को मिस कर दे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 6 है ना, तो ये हो गया बराबर, मतलब यहां जो था यहां पे ले लिया। अब हमको क्या करना है, रेंज निकालना है। हमको क्या निकालना है, रेंज। रेंज कैसे निकालते बेटा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब आपके यहां ग्रुप, आपने यहां क्या किया, इसको एकदम डाटा को सजा दिया। हाईएस्ट वैल्यू क्या आपका 15 और लोएस्ट वैल्यू क्या है 3, तो रेंज क्या हो जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट है 15, लोएस्ट है 3, 15 में से 3 को माइनस करो कितना हो गया, 12। ठीक है, और रेंज निकालना है आपका, रेंज निकल गया, क्या निकल गया आपका, रेंज। आप क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या फॉर्मूला बताए थे, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला बताए थे, रेंज डिवाइडेड बाय सम ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, सम ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकलेगा, रेंज कितना निकला है आपका, ऑलरेडी 12 निकला है तो यहां लिख दिया 12 डिवाइडेड बाय सम ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू क्या था, 15 प्लस कितना कर देंगे, 3 लोएस्ट वैल्यू। लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू का सम कर दीजिए तो 12 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 18। और इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको 12 बाय 18 कीजिएगा तो यहां पर पॉइंट में आंसर आएगा 0.18 समथिंग समथिंग इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, तो 12 बाय 18 कर देना, यहां पे आपका क्या निकल जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोई दिक्कत है, अब ऐसा ये प्रॉब्लम को भी देख लेते। अभी ए हुआ ना, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, बच्चा लोग ले लिया। ठीक, अभी जो हम देख रहे हैं अनग्रुप डाटा के लिए हम रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना सीख रहे हैं। अब ये बी लेंगे, इस बी में 5, 7, 9, 13, 11, 15, 3 ये डाटा दिए, इनको सबसे पहले क्या करो, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा को पहले लिखेंगे। सबसे छोटा क्या है इसमें, देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 3। क्या लिख दिया, 3 कामा। इसके बाद उससे बड़ा क्या है, 5। 5 से बड़ा क्या दिख रहा है, 7। 7 से बड़ा क्या दिख रहा है, 9। 9 से बड़ा क्या है, 11। 11 से बड़ा क्या दिख रहा, 13। उससे बड़ा क्या दिख रहा, 15 सबसे बड़ा।
डाटा को एक बार यहां काउंट कर लें, नंबर ऑफ डाटा कितने, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1 2 3 4 5 6 7। इसलिए बोला कई बार अरेंज करने में हम गलती कर देते, यहां 7 है, यहां पे भी 7 है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 मतलब बराबर आ गया। हम डाटा को अरेंज कर लिए, कई बार कर होता है क्या, एक आधा छूट गया तो गलत ना हो जाएगा हमारा। इसलिए इसको क्या करना है, यहां जितना है यहां उतना मैं अरेंज कर पाया हूं कि नहीं, ये मुझे इंश्योर हो लेना है। ठीक है, 3 5 7 9 ये कर लिया। अब हमको रेंज निकालना है, तो रेंज तो बड़ा इजी निकलता बेटा, अब तो आपके सामने डाटा है, रेंज कैसे निकालते, सबसे बड़ा डाटा में से सबसे छोटा डाटा को माइनस कर दीजिए, डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू इज नोन एज रेंज। सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 15, सबसे छोटा क्या दिख रहा है 3, तो 15 - 3 कर देंगे, कितना हो गया बेटा 12। 15 - 3 करेंगे कितना होगा 12, क्या निकल गया आपका रेंज निकल गया 12। अब क्या निकाल देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्या निकाल देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या फॉर्मूला बताए थे, रेंज डिवाइडेड बाय सम ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ये बताए थे। तो रेंज कितना निकला आपका 12, तो ये तो यहां रख देंगे रेंज की जगह में, यहां पर रख दिया, डिवाइडेड बाय सम ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 15, लोएस्ट वैल्यू क्या है 3, तो 15 + 3 कर देंगे, 15 + 3 कर देंगे, तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया 18, 12 / 18। इसको आप क्या कर लीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा इस हिसाब से, कोई दिक्कत है। फिर हम ग्रुप डाटा के लिए भी बताएंगे, फिर क्या करेंगे अब दूसरे वीडियो में, ग्रुप्ड डाटा के लिए हम रेंज कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है।